अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग। और जहाँ से व्लॉग एंड किया था वहीं से कंटिन्यू हो गया है वापसी। और जैसे कि आप लोगों को पता है मैं अकेली थी घर में तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। वैसे मैं ज़्यादातर अम्मी के साथ ही जाती हूँ, पर आज अम्मी घर पर रोक कर गई थी मुझे अकेले की वजह से। तो आज हमने कहा था ना कि अभीश शायद आ जाए, तो अभीश फाइनली आ गई है। अब हम करेंगे खूब सारे इन्जॉय और मैं अभीश की बातें भी आपको सुनाती हूँ। और यहाँ अभीश दिखा रही थी अपना बैग जो कि बहुत अच्छा था, तो उसके बाद उसकी जिप टूट गई थी तो वो अफसोस कर रही थी कि आनी हमारी जिप टूट गई। तो मैंने कहा कोई बात नहीं लगवा देंगे। और बच्चों की हरकतें होती है ना, बच्चे कहते टूट गई ख़राब हो गई, मतलब उनका मतलब होता है नहीं ला के दो, तो कोई मसला नहीं बच्चों की। और ये यहाँ अभीश अपने देख रही थी स्टिकर्स जो उन्होंने मुझे दिए थे कि आनी आप अपनी वॉल पर लगा लीजिएगा, तो मैंने आज वॉल पर लगा लिए थे, तो वो देख कर बहुत ही खुश हो रही थी। और इनसे भी बातें करवाएंगे, बट मैंने कहा थोड़ी सी पहले आप लोगों से भी बातें शेयर कर लूं। और आज हमारे खाना नहीं बना था क्योंकि मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, अभी मैं सीख रही हूं, तो मैंने आप लोगों को भी शेयर की थी ये बात। और अकेले खाना क्या बनाती, कोई भी नहीं था घर में और कौन खाता फिर। तो उसके बाद भाई भी रात को आए थे तो वो अपने लिए बाज़ार से ले आए थे, और ये लोग तो डिनर करके ही आए थे। और यहाँ अभीश अपना दोबारा बैग खोलकर बैठ गई थी, बिल्कुल मेरी हरकतें करती हैं कभी कभार। तो जब मैं स्कूल या ट्यूशन से आती थी तो मेरी बहन जो जिनकी बेटी हैं तो ये बोलती थी क्या अभी पढ़ाई बाकी है क्या, तो मैं उसमें हंसती रहती थी और अपना काम करती रहती थी। मुझे भी बहुत शौक था अपना बैग दोबारा खोलने का और उल्टी सीधी चीज़ें हरकतें करने का, जैसे पढ़ाई कर ली, ड्राइंग्स कर ली। तो अभीश को भी इसी तरह का शौक है, काफ़ी हरकतें मेरे में सेम टू सेम मिलती हैं और सब मुझे चिढ़ाते भी हैं। खैर ये तो हंसी मजाक चलता रहता है। और यहाँ मैं देख रही थी कितना प्यारा हॉर्स बना हुआ था, शॉपनर्स इतने अच्छे अच्छे आ गए, रेजर इतने अच्छे अच्छे आ गए। बच्चों की फरमाइशें तो बढ़ती रहती हैं पर पेरेंट्स जो हैं उनके दिलवाते भी हैं। जो हमारा दौर था उसमें हम फरमाइशें वगैरह नहीं करते थे, जो मिल गया सिंपल शॉपनर पेंसिल वगैरह उसमें ही गुजारा कर लिया है। और यहाँ मैं आप ही से बातें कर रही थी, मैंने आपको थोड़ा बहुत आप ही को भी दिखाया है। और उसके बाद ये तो बहनों में जब बैठ जाए तो टाइम का पता ही नहीं चलता कि कब 2 घंटे गुजर गए, कब 3 घंटे गुजर गए। तो बहुत दिन बाद आई थी, काफ़ी दिन बाद आई थी तो बातें निकल ही जा रही थी, तो इस वजह से हमने बातें करी बहुत सारी। तो अभीश को भी नहीं ज़्यादा दिखाया। और यहाँ लाया था भाई अम्मी के लिए शॉल, बहुत ही अच्छा स्टफ था और बहुत ही अच्छी थी सर्दियों के लिहाज से। और अम्मी मना कर रही थी कि मेरे लिए क्यों लाए इतनी महंगी, और मम्मा का तो यही होता है हमेशा कि है ना ये चीज़ क्यों लाए, वो चीज़ क्यों लाए, इतनी महंगी क्यों लाए। अम्मी को ये नहीं पता होता कितनी प्यार से कोई लाया है, मोहब्बत से कोई लाया तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, पर अम्मी ने एक्सेप्ट कर ली थी, मजाक कर रही हूँ। बट ये अम्मी हमेशा ये करती हैं कोई भी चीज़ लाओ, मेरी बहनें भी कोई कड़े वगैरह लाती हैं अम्मी के लिए तो अम्मी कहती हैं क्यों पैसे ज़ाया करें, तो ये पेरेंट्स का तो ये चलता ही रहता है। खैर इसने कुछ इस तरह से चीजें सजा ली हैं, कितनी सारी चीजें करो, किसकी ये चीजें सारी मेरी सारी मेरी, उनकी आवाज तो आने दो बच्ची की। ठीक क्या हो रहा है, तो जोर से तो बोलो चीज ले लो चीज ले ले चीज वाले अंकल तो किचन में तो जाना पड़ेगा ना इसलिए। आओ अभीश, रोज क्योंकि आज खाना नहीं बना था, अम्मी गई थी तो इस वजह से हम ये खाएंगे और इंजॉय करते हैं। हमने साबुन निकाल के रखा हुआ है छोड़ा, और इसको हम इंजॉय करने के बाद। और यहाँ बाजार अभीश बना रही है अपनी नानी की टांगे दबा रही है, माशाल्लाह हिना अच्छी से जा रही है, देखो बहुत ज्यादा प्यार है, हाय कर दो, मैं तो पीछे नहीं आ। हाँ देखिए किसी ने भी इस बच्ची को ये नहीं बोला कि टांगे दबाओ या कुछ करो, नानी ने बस ऐसी दूर से बोल दिया कि आज मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है सीढ़ियाँ चढ़ी हैं इतनी ऊपर नीचे, तो टांगों में दर्द तो होना ही था अम्मी के। तो अभीश फ़ौरन दबाने आ गई, किसी ने भी नहीं बोला था। और इसके बाद माशाल्लाह ने सबकी दवाई, ये वाली जो आदत है ना द नेक्स्ट
आबरिश की मुझे सबसे बेस्ट लगती है कि कोई कुछ नहीं बोलता, खुद ही आ जाती हैं कि नानी के पैर दबाने। और ये बच्चों को होना चाहिए अभी से, ताकि बड़े होके भी वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रख। और यहाँ हमारे बन रहे हैं पाए, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगी। पूरी रेसिपी नहीं दी आप लोगों को। नानी के साथ क्या हो रहा है, चावल सुनवा जा रहे हैं, मुझसे तो बोलो। ऐसे घंटों में चुनोगी तो हो गया काम। अब मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम। कभी करना चाहोगी फिर घर का कैसे करोगी आप बड़े होके? और कुछ बोलना चाहेंगे आप? अभी से अपना टैंक बना रही है। क्या चीज? ये खिलौने दे दे, कपड़े और दे दे बुक। तेज बोलो। ये खिलौने दे दे, बुक और दे दे पेंसिल। फिर आपने तो यही चाहिए बाबा ने दिलवाई है। खाली एक कॉपी लाई थी, उस टाइम मार कर आया था। जूस बन गया है, लेकर जा रहे हैं। अभी इसको ले रो रही है अभी जाते वक्त। इनका दिल नहीं चाह रहा जाने का। यहाँ तो देखो, यहाँ तो देखो। व्लॉग में रोती हुई नहीं आने चाहती अभी। रो रही है, नानी के घर से जाना नहीं चाह रही है। मैं फिर आ जाऊंगी आपके घर पे रुकने, सही है? वही व्लॉग पर आएंगे आपके खिलौनों का, सही है? ठीक है, पक्का? कोई नहीं, उनके बाप ने इतनी सब प्रिस्क्रिप्शन दी है। आपके घर पे आएंगे फिर हम खिलौनों का व्लॉग भी बनाएंगे। अब व्लॉग में बोल दो अपनी रोज। और आज तो ट्यूशन की भी छुट्टी है, मजा आएंगे। नहीं रो ना ज्यादा, देखो आपकी क्लिप कितने प्यार है। ये भी नहीं रो रही, स्माइल कर रही है। हाँ देखो, स्माइल करके दिखाओ। स्माइल हंस गई वही, अभी यहाँ खुशी खुशी जा रही है। हमने कहा एक हफ्ते बाद आ जाएंगे, यहाँ देखो हम। और यहाँ अबरिश का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि वो नानी के घर से जाए, और ऐसे बच्चे होते हैं ज्यादातर। तो वीडियो में ये ज्यादा बात नहीं करती व्लॉग के दौरान, तो व्लॉग के बगैर ज्यादा बातें करती है। तो जितना व्लॉग बन पाया मैंने बना लिया। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह